अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने, ऊपर से आया तो था ऊपर से आया तो था। तो दो जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा बे आज कश्मीर आज कश्मीर वाला नारा लगाना है, कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी, टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर, टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की क्यों लगाई, सावरकर की क्यों नहीं लगाई, हेडगेवार की क्यों नहीं लगाई? इसलिए बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करते हैं ये लोग, बाबा साहब अंबेडकर चुनाव की प्रक्रिया रख के गए थे, इनका बस चले तो ये चुनाव कराना बंद कर दे। अध्यक्ष महोदय मुझे बेहद खुशी है कि वैसे तो हम सब लोग सभी शहीदों को नमन करते हैं, सभी स्वतंत्रता सेनानियों का आदर करते हैं, लेकिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों में एक तरह से दो चमकते सितारे हैं, बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह। दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी की तस्वीरें सभी दिल्ली सरकार के दफ्तरों में लगाई जाएंगी। कुछ दिन पहले पंजाब सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि पंजाब सरकार के भी सभी दफ्तरों में भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें लगाई जाएंगी। जब से ये ऐलान किया गया है, मैं तो सोच रहा था कि हमारे विपक्ष के साथी इसके ऊपर हमें बधाई देंगे, तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छा निर्णय लिया गया, शुक्रिया। लेकिन जब से ये ऐलान किया है कि इतना, यहाँ तो कहने के लिए कह दिया बाहर, एक मिनट मेरे को पूरा, हमें इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की क्यों लगाई, सावरकर की क्यों नहीं लगाई, हेडगेवार की क्यों नहीं लगाई? तो मैं कह रहा हूँ भाई सावरकर की और हेडगेवार की तुम लगा लो। अब देखो जो बोल रहे थे उस पर तो किसी ने टिप्पणी नहीं की, मैंने कहा भाई सावरकर की बोल रहे हैं, सावरकर की और हेडगेवार की तुम लगा लो, हम बाबा साहब अम्बेडकर की और भगत सिंह की लगा लो। कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं इंदिरा गांधी की क्यों नहीं लगाई, राजीव गांधी की क्यों नहीं लगाई, सोनिया गांधी की क्यों नहीं लगाई? तो हम कह रहे हैं भाई इंदिरा गांधी की तुम लगा लो, हम तो बाबा साहब अंबेडकर की और भगत सिंह की लगाएंगे। अध्यक्ष महोदय मेरे को पता नहीं था ये लोग बाबा साहब अंबेडकर, ये बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह से ऐसी नफरत क्यों करते हैं सारे प्रतिपक्ष के लोग? मैं आपको बताता हूं क्यों करते हैं, और खासकर बीजेपी वाले बाबा साहब अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं, मैं बताता हूं आपको। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, बाबा साहब का नाम सुनते ही वॉकआउट कर गए, बाबा साहब का नाम भी नहीं सुनना चाहते, बाबा साहब अंबेडकर का नाम सुनते ही सुनते लो तमाशा। इसलिए ये नफरत करते हैं बाबा साहब अंबेडकर से, ये कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर नहीं होता तो जनतंत्र नहीं होता इस देश के अंदर। कल एक बीजेपी का बड़ा नेता मिला, बोला जी मैंने तो अपने बीजेपी के बड़े नेताओं को बोल दिया ये चुनाव वुनाव का चक्कर छोड़ो, एमसीडी में भी एनडीएमसी जैसा कर दो। मैंने कहा इसका क्या मतलब? वो बोले जैसे एनडीएमसी में चुनाव ही नहीं होते, एनडीएमसी में केंद्र सरकार नॉमिनेट कर देती है, बोले जी एमसीडी में भी यही हो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय इनका बस चलना इस देश के अंदर सारे राज्यों में और देश में चुनाव कराना बंद कर दें ये, इसलिए ये नफरत करते हैं, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करते हैं ये लोग। बाबा साहब अंबेडकर चुनाव की प्रक्रिया रख के गए थे, इनका बस चले तो ये चुनाव कराना बंद कर दे। कल मैंने देखा, आपको भी बुरा लगा, मैं आपके कमरे में जब चाय पीने आया आपने मेरे साथ अपना दुख शेयर किया, कि जब एलजी साहब ने भाषण शुरू किया ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने,
क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से दो जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने। ऊपर से आया तो था तो दो जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा बे आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं यूं देखता है किस लिए। क्या हाल बना दिया इनका, इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे, एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता कहता क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, उनको पता ही नहीं क्या मांगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके, पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे, पिक्चरों के पोस्टर अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे, घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो, पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। आठ साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े, तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने आठ साल में कोई काम नहीं किया, आठ साल खराब कर दिए। बताओ विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी, टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो, इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर, टैक्स फ्री की क्या जरूरत है, यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल। कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक MLA था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब कश्मीरों कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया, आंखें खोलो क्या कर रहे हो तुम लोग। वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए, क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। भेड़ बकरियों की तरह हांक रखा है पूरे बीजेपी वालों को, भेड़ बकरियों की तरह हांक रहे हैं। एक दिन बोले तीन का कृषि कानून लेके आए हैं, बहुत शानदार है, और फिर नीचे मैसेज आया अभी सारे जने तारीफ करो मोदी जी की, सारे बोले वाह मोदी जी वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। और मेरे को याद है इसी सदन के अंदर इन लोगों ने उन तीनों कानूनों की खूब तारीफ की थी, बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है और क्या शानदार कानून लेके आए। एक साल के बाद फिर आया भाई तीनों कानून वापस ले लिए, बोलो फिर तारीफ करो मोदी जी की, भाई कानून बेकार थे मोदी जी क्या। इसी सदन के अंदर इन लोगों ने इतनी बेशर्मी, दिमाग पे ताला लगा रखा, इन्होंने कहा वाह मोदी जी वाह क्या तीनों कानून खराब थे आपने वापस ले लिया, देश को बचा लिया, क्या मास्टर स्ट्रोक, ये क्या हाल बना दिया आप लोगों का यार। फिर थोड़े दिन बाद बोले भाई दारू की दुकानों के खिलाफ करो, फिर सारे जने दारू की दुकान बंद करो, दारू की। अब दारू ठीक हो गई दिल्ली में, आजकल तो शोर नहीं करते तुम लोग, अब कश्मीर फाइल आ गई, पहले कृषि कानून, रोज काम दे रखा है तुमको, कुछ ना कुछ ऊपर से आ जाता है, काम दे रखा है अब दारू की दुकान है। मेरा एक ही निवेदन है मेरे बीजेपी के साथियों से, आप तो अपने ही हो, आप तो सब मेरे छोटे भाई बड़े भाई, बिदुरी साहब तो बड़े भाई है मेरे, आप तो सारे अपने हो यार, थोड़ा सा देश के बारे में सोचो यार, थोड़ा देश के बारे में सोचो। हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था, रोजगार देता था, इतिहास उठा के पढ़ो,
उसने रोजगार तो दिया था, इन्होंने क्या दिया आपको? आपके बच्चों को नौकरी दी? आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा? आपकी बिजली का इंतजाम करा? केजरीवाल काम आता है आपके? आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है? दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए। आपके घर में कोई बीमार हो केजरीवाल दवाई पहुंचाता, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। केजरीवाल काम आया। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो, ये भेड़ चाल बंद करो। भेड़ बकरियों की तरह हांक रहे हैं ये आपको, ये सब बंद करो, दिमाग खोल के सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे हम, राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलके। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो, गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया।